चिल्ड्रन क्लास सेवेंथ नई दीप मणिका से लेसन थ्री लंग लकार मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था लंग लकार प्रथम पुरुष लंग लकार मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं भूतकाल को पास्ट टेंस को जो समय बीत गया हो मध्यम पुरुष के जो हमारे कर्ता होते हैं वो होते हैं त्वम युवाम तथा युयम आइए हम कुछ सेंटेंस जो इसमें दिए हुए हैं उसको पढ़ते हैं तुमने पढ़ा त्व है। तुम दोनों ने पाठ पढ़ा युवाम पाठम अपम युवाम पाठम अपठतम क्योंकि हमारा क्या होगा अपठ है अपठतम अपठत बहुवचन में दिख रहा है बच्चों आज तुमने दो पाठ पढ़े अद्य तम आज अद्य तुमने त्वम दो पाठ पाठो पढ़े आप पठ अब ये पाठों को देखकर ये क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ ये क्रिया का प्रयोग किसको देखकर हुआ कर्ता को देखकर तुम सब खेले यू यम तुम सब खेले यानी कि हमारा क्या हो जाएगा अगर हम कोई भी धातु लें तो आ है अक्रीड़ता और अक्रीडत एक बात का सभी बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा जो हमारा प्रथम पुरुष एक वचन होता है वो भी हमारा अक्रीडत ही होता है लेकिन उसमें हलंत लगता है और जब ये बहुवचन में आ जाता है तो इसमें हलंत नहीं लगता तो ये क्या बनेगा एक वचन में आक्रीड है आक्रीडतम और ये बना आक्रीडत लेकिन अगर यही प्रथम पुरुष में होता आक्रीडत आक्रीडता तो आक्रीडत में यहाँ पर हलंत लग जाता जब ये हलंत नहीं होगा तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मध्यम पुरुष बहुवचन है तुम सब गेंद से खेले कंदुकेन अक्रीडत यहाँ पे भी बहुवचन आ गया तुम दोनों ने दो पाठ पढ़े युवाम पाठ अपठतम मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या बनेगा द्विवचन में अड़तम तो यहाँ पे पठ धातु से क्या बना अपठतम तो आइए लंगलकार मध्यम पुरुष के बारे में एक बार देख लेते हैं कैसे रूप चलेंगे धातु है पठ मीनिंग हुआ पढ़ना अपठ लिक, है अपठतम अपठत लिख लिखना अलिख है अलिखतम अलिखत गम जाना अगछ है अगछतम अगछत आगच्छत। चल चलना अचल है अचलतम अचलत नम नमस्कार करना अनम है अनमतम अनमत स्मृ याद करना अस्मर है अस्मृतम अस्मृत खाद खाना अखाद है अखादतम अखादत क्रीड खेलना अक्रीड है अक्रीडतम अक्रीडत खेल खेलना अखेल है अखेलतम अखेलत क्रीड और खेल दोनों का मीनिंग ही होता है खेलना लेकिन अगर वर्ड आ जाए क्रीड तो आपने अक्रीड है लिखना है और खेल आ जाए तो अखेल है वध बोलना अवध है अवधतम अवधत तो ये सारे किसके साथ यूज होंगे तुम युवाम एंड यूयम क्लियर आइए अब हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं त्वम गीताम अपठ है तुमने गीता को पढ़ा अब देखो यहाँ पे कर्म कारक दे रखा है गीता को पढ़ा लेकिन हम इसमें जरूरी नहीं है कि हम इसमें को लगाएंगे हम ये भी लिख सकते हैं तुमने गीता पढ़ी तव लेखम आलिख तुमने लेख लिखा तव कविताम स्मर तुमने कविता याद करी तव फलम आखाद तुमने फल खाया तव कविते तुमने दो कविताएं पढ़ी क्यों कविते क्यों आया क्योंकि ये स्त्रीलिंग वर्ड है तो इसका रूप चलेगा कविता कविते कविता हा। अच्छा मैंने आपको बताया था कि प्रथम प्रथमा विभक्ति का बहुत बड़ा रोल होता है ये नहीं कि यह मध्यम पुरुष आ गया तो ये भी अब कोई मध्यम पुरुष जाएगा ये हमारा शब्द है यह हमारा क्या है शब्द है इसके रूप चलते हैं कविता कविते कविता तो तुमने दो कविताएं पढ़ी तो यहाँ पे क्या हो गया कविते ये नहीं कि आप इसको द्वितीय विभक्ति में यूज करोगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा है त्वम कुत्र अगच्छ है।, है का मतलब होता है बीता हुआ कल कल तुम कहाँ गए थे कुत्र मीन्स कहाँ आप मेरे साथ साथ ध्यान रखिए वर्ड्स का भी है का मतलब क्या है बीता हुआ कल और आगे अगर आ जाए श्वे तो हो जाएगा आने वाला कल त्वम मधुरम वचनम अवध तुमने मीठे वचन बोले युवाम पुस्तकम अपठतम तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी युवाम कविताम आस्मर्तम तुम दोनों ने कविता याद करी है युवाम क्रीड़ा क्षेत्र अक्रीड़तम कल तुम दोनों खेल के मैदान में खेले युवाम कंदुकेन कदा अक्रीड़तम तुम दोनों गेंद से कब खेले कदा मीन्स कब युवाम पुस्तकम अपठतम तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी साय काले युवा स्वपाठम आबतम शाम के समय तुम दोनों ने अपना पाठ पढ़ा युवाम सुंदरम लेखम लिख अलिखतम तुम दोनों ने सुंदर लेख लिखा यूयम उद्याने आक्रीड़त तुम सब बाग में खेले यूयम विद्यालयम आगछत तुम सब स्कूल गए तुम सब विद्यालय गए यूयम निर्मलम जलम आपिबत तुम सबने साफ पानी पिया यूयम पाठम अपठत तुम सबने पाठ पढ़ा यूयम अत्र मालिकत यहाँ तुम सबने क्या लिखा आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं तुम सबने यहाँ क्या लिखा इट डिपेंड्स ऑन यू है कि संस्कृत में कोई भी मिस्टेक नहीं मानी जाती आप अत्र को पहले मीनिंग में लें या बाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किम चित्रम अपश्यत क्या तुम सबने चित्र देखे आम हाँ यूयम चित्रम अपश्यत तुम सबने चित्र देखे सूर्यम तम तुम दोनों ने सूरज देखा यूय लेखान अलिखत तुम सबने लेख लिखे यूय पत्राणी अलिखत तुम सबने पत्र लिखे प्रातः तव किम चिकित्सालय आगछ सुबह तुम किस लिए हस्पताल गए युवा चिकित्सक प्रति आगछतम तुम दोनों वैद्य की ओर गए डॉक्टर भी बोल सकते हो आप वैद्य भी बोल सकते हो यूयम मार्गे किम अपश्य रास्ते में तुम सबने क्या देखा तव विद्यालय अगछ तुम विद्यालय गए यूय विमानेन कुत्र अगछत तुम सब जहाज से कहाँ गए यूयम सारिका सारिक्या सह कुत्रा अखेलत तुम सब सारिका के साथ कहाँ खेले देखिए बच्चे जब आपको जब आप ये कारक करेंगे तब आपको पता रहेगा सह ये के साथ सह का मीनिंग क्या होता है के साथ जब भी ये सह आ जाए तब आपको इससे पहले जो विभक्ति का प्रयोग करना है वहाँ पे आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है तो सारिका शब्द हमारा स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में क्या बना सारिक्या तुम सब सारिका के साथ कुछ कहाँ अखेलत खेले पुस्त पुस्त आ तुम सब पुस्तकालय तुम पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ी? युवाम मार्गे कथम आप तुम दोनों रास्ते में कैसे गिरे है युवाम कदा सप्तम कल तुम दोनों कब सोए यूयम फलम आखादत तुम सब ने फल खाए आइए हम थोड़े से शब्दार्थ भी देख लेते हैं एक रिवीजन हो जाएगी आनंदम तुम दोनों ने नमस्कार किया अस्मर है तुमने याद किया मधुरम मीठा क्रीड़ा क्षेत्र खेल के मैदान में स्वपाठम अपना पाठ कंदुकेन गेंद से आक्रीडत तुम सब खेले निर्मलम स्वच्छ साफ विमान वायुयान से या जहाज से किमर्थम किस लिए चिकित्सक है वैद्य या फिर डॉक्टर असप्तम तुम दोनों सोए तो जल्दी ही बच्चों में इस लेसन की एक्सरसाइज लेकर आऊँगी आप सभी लाइक व शेयर जरूर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसकी हेल्प हो सके अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे कृपया कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद